हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो आज बताएंगे सादा ब्लाउज की स्टिचिंग। फ्रेंड, कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो इसमें मैं सिर्फ स्टिचिंग दिखाऊंगी, जो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड, हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखिए, हमारे एक पल्ले में प्लेटें पड़ गई हैं और प्लेटें हमने चौड़ी चौड़ी डाली हैं। चौड़ी प्लेटें थोड़ी सी चौड़ी डालें जिससे हमारा पफ बहुत सुंदर बनता है। तो हम थोड़ी चौड़ी प्लेट डालते हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा पल्ला छोटा पड़ जाएगा। तो मैं थोड़ी चौड़ी प्लेट डालती हूँ मीडियम साइज़ की, तो हमारा पफ बहुत सुंदर बनता है। देखिए, हमने दोनों पल्ले में प्लेटें डाल ली हैं फ्रेंड। अब इसमें हमें पट्टी ज्वाइन करना है। जब हम ब्लाउज की सिलाई लगाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्लेट ही डालते हैं। प्लेट डालने के बाद हमें पट्टी लगाना चाहिए। बहुत लोगों से गलती हो जाती है, जो नए लोग हैं वो सीधे सबसे पहले पट्टी लगाने लगते हैं और कभी कभी उल्टी सीधी हो जाती है। तो उसके लिए ब्लाउज साइड से रख लिया करें, तो उसके देख देख के आराम से पट्टी लगाएं, तो हमारी पट्टी उल्टी सीधी नहीं होगी। तो हमारी पट्टी के लिए कपड़ा कम पड़ गया था तो हमने ज्वाइन कर लिया। इसे ज्वाइन कर लेंगे बीच से, फिर हम इसको सबसे पहले, ये पट्टी है हमारी हुक वाली पट्टी है, तो हुक वाली पट्टी हमारी पतली होती है। तो ये है पल्ला हमारा हुक वाला, तो इसमें हम ये पट्टी ज्वाइन करेंगे। पट्टी को उल्टा रखा है, पल्ले को हमने सीधा रख लिया है। अब पहले तो हमें एक इस तरह से सिलाई लगा लेनी है पूरे में। पूरे में सिलाई लगाएंगे और पट्टी को बिल्कुल नहीं खींचना, आराम से रख के और सीधी सी सिलाई एक लगा लेनी है। और जो कपड़ा हमारा फालतू है उसको हम काट देंगे। अब एक सिलाई इस तरह से हमें लगानी है जिससे हमारी पट्टी बहुत मजबूत हो जाती है, निकलती नहीं है। फ्रेंड, एक बार ज़रूर देखना इस तरह से, ये आइडिया बहुत ही पसंद आएगा। जो सिंगल ही सिलाई लगा के पट्टी को पलट देते हैं अंदर के लिए, तो उनकी पट्टी हम निकल जाती हैं। मैं इस तरह से सिलाई लगाती हूँ, चाहे हमारा सादा ब्लाउज हुआ या सादा कपड़े का हुआ या अस्तर वाला हुआ, मैं इसी तरह से सिलाई लगा देती हूँ पट्टी में, तो हमारी पट्टी बिल्कुल नहीं निकलती है। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे जिस पर हम बड़ी सिलाई लगाएंगे। इस पे हम फिर सिलाई लगाने के बाद इस पे तुरपाई करेंगे और जो बड़ी सिलाई होगी उसको हम उधेड़ देंगे। अब ये हो गई हमारी चौड़ी पट्टी। चौड़ी पट्टी के लिए भी हमारा कपड़ा कम पड़ गया था, तो इसी तरह से हमने चौड़ी पट्टी भी निकाल ली है और इसे भी हम बीच से ज्वाइन करेंगे। चौड़ी पट्टी होती है हमारी हाई वाली। ये भी ज्वाइंट हो गया है। अब इसको देखना किस तरह रखेंगे, ये बात बहुत ध्यान से देखने की है। ये पल्ले को हम उल्टा रखेंगे, जो हाई वाली पट्टी को हम ज्वाइंट करते हैं तो उसको पल्ले को उल्टा रखेंगे और इस तरह से हम पट्टी रखेंगे, फिर हम सिलाई लगाएंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत अच्छे से देखें और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड, पट्टी को खींच के नहीं लगाएंगे, नहीं तो तिरछी पड़ जाएगी, ऐंठ आ जाती है। बिल्कुल आराम से रख के और आराम से सिलाई लगा देना है। देखिए, ये सिलाई लग गई है एक। अब इसको हमें ऐसे रखना है, इस तरह से पलटेंगे इसको। अब बिल्कुल जो अंदर वाली सिलाई है उसको नहीं दिखाएंगे और एक साइड से लगाएंगे सिलाई, बिल्कुल किनारे से। तो ये होती है हमारी हाई वाली पट्टी। इसमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे, इसमें डबल सिलाई लगाएंगे, एक थोड़ी स्पेस से लगाएंगे और एक बिल्कुल किनार से लगाएंगे।
इसे भी हम लगा लेते हैं सिलाई को। हमने पट्टी को बिल्कुल नहीं खींचा, इसलिए हमारी पट्टी में देखिए बिल्कुल झोल नहीं आई है। और बहुत कम समय में बताया फ्रेंड मैंने, एक एक चीज़ दिखाई है। देखिए ये हमारे पल्ले तैयार हो गए हैं, दोनों दोनों पल्ले तैयार हो गए हैं। ये हमारा पीछे का पल्ला है, इसको तैयार करना है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ दो ही प्लेटें पड़ती हैं पीछे की साइड। तो उसमें भी हमने प्लेटें डाल ली हैं। ये हमारी आस्तीन है और ये पट्टियां हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे पाइपिंग, आस्तीन को बाद में ज्वाइन करेंगे। तो अब पाइपिंग की हमने पट्टी जो निकाल ली है, हमारा ब्लाउज का गला है वो बहुत बड़ा नहीं है, 6.5 इंच का है। तो हमारी दो पट्टी बड़ी हैं, एक छोटी है, मगर हो जाएंगी। आगे पीछे 6.5 का है, तो अम्मा के लिए बनाया है। 40 साइज का ब्लाउज है हमारा, तो उनके लिए बनाया, बहुत बड़ा गला नहीं है। इस तरह से हम पट्टी को इसके ऊपर रख के और हम सीधी लाइन से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो गई है, देखिए उसी तरह से हमने इसे ज्वाइंट भी कर लिया है। अब दूसरी पट्टी को भी हम ज्वाइंट करेंगे। कितने अच्छे से ज्वाइंट हो गई है। ये है हमारा ब्लाउज। अब हम पाइपिंग लगाएंगे, पहले थोड़ी सी इसकी नोक को काट देंगे कपड़े की। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम पलटेंगे, या ऐसे करके थोड़ा सा ही कपड़ा लिया है 1/2 इंच, इसको नीचे के लिए पलट दिया है। अब हम ये सिलाई पक्की लगाएंगे और हल्के हल्के से खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है इस पट्टी को, बिल्कुल मीडियम में खींचना है और पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हमने एक सिलाई लगा ली है पूरे में। अभी हमें एक सिलाई और लगानी है, वो कच्ची सिलाई है, हम मशीन से लगा लेते हैं। आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हैं। तो हम इस तरह से मशीन से लगाएंगे। देखिए तो मशीन से हमने लगा ली है, यहाँ पे पीछे की आगे की साइड देखिए इस तरह से है। ये बड़ी सिलाई करके लगाया क्योंकि इसे उधेड़ देंगे हम बाद में, जब दिखेगी तो उधेड़ देंगे, नहीं दिखेगी तो वो अंदर आ जाएगी। और जो हमारा ज़्यादा कपड़ा है इसको हम काट के निकाल लेंगे। इसे हम फटाफट कटिंग कर देंगे कपड़े को जो हमारा ज़्यादा था। देखिए हो गई है यहाँ से कटिंग। अब जो हमें पतली वाली पाइपिंग चाहिए वो हम पलटेंगे। देखिए किस तरह से पलटेंगे, बहुत ही सरल तरीका बताया फ्रेंड, बहुत ही आसान है। पाइपिंग अगर जिसको नहीं लगानी आती है तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और फुल वॉच करें। इसमें आप जितनी चाहो उतनी पतली लगा सकते हैं। इसी तरह से हम पाइपिंग लगाते हैं अपने ब्लाउज में, तो हमारी बहुत अच्छी बनती है। और उधर की साइड हमें ब्लाउज रखना है, इधर की साइड नहीं रखना। वैसे तो अपने हाथ की बात है, जिस जैसे करके हाथ चला सको, हम तो ऐसे ही हाथ चलाते हैं। तो हमारा हाथ उधर वाला ही सीधा पड़ता है। थोड़ा सा हल्के से टंका लगा लेना है। अब एक उंगली से ऐसे पतली करते जाओ, अंदर के लिए कपड़ा मोड़ते जाओ और दबा के हल्के हल्के से ऐसे करके, यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ है तो यहाँ पे थोड़ा संभल के मशीन चलाना है। इसी तरह से मैं पूरे में पाइपिंग लगा लेती हूँ। तो चलिए थोड़ा पास से दिखाते हैं। देखिए अच्छी लगी है पाइपिंग, बहुत सुंदर लगी है एकदम। फटाफट पाइपिंग लगा लेते हैं। देखिए
इस तरह से हम दिखा रहे हैं। अच्छी है, बहुत सुंदर लगी है। आस्तीने हमने अभी ज्वाइन नहीं किए, पाइप नहीं लगा ली है, आस्तीने ज्वाइन करना है अभी हमें। और हमें साइड से फिटिंग भी देना, फिटिंग की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आस्तीन लगाने का आइडिया भी बता चुकी हूँ। अगर फ्रेंड नहीं देखी है तो हमारी वीडियो को देख लें हमारे चैनल में जाकर। तो हम आज के लिए इतना ही बताएंगे। देखिए हमारी पाइपिंग अच्छी है, बहुत सुंदर है। तो देखिए आगे दिखाते हैं अब। तो ये हमारा ब्लाउज बन गया है, हमने आस्तीनें भी लगा ली हैं। देखिए अभी हमें तैयार करने को बचा है, हुक रह गए हैं और इसमें तुरपाई बची है नीचे की, आस्तीनों पे तुरपाई करेंगे। तो हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो गया। फ्रेंड वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।